बालों की समस्या बड़ी विकट बनती जा रही है। हम में से कमोबेश हर किसी को अपनी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर इससे गुजरना ही पड़ रहा है। कारण क्या है, क्यों हम परेशान हैं अपने बालों को लेकर? यदि हम अपने ही अंदर जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जो हम खा रहे हैं, जो हमारा आज का जिस तरह की जीवन शैली हम जी रहे हैं, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं हमारे बालों के झड़ने के लिए। मैं बहुत कम समय में और बहुत थोड़ी सी चीज़ें आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप काले तिल और भृंगरा चूर्ण सुबह एक एक चम्मच चबाकर खाना शुरू कीजिए, ये बालों को झड़ने से रोकने में मदद करेगा। और इसके अलावा रेगुलर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी भृंगराज आदि तेल या इस तरह की किसी भी औषधीय तेल का प्रयोग करके अपने बालों में अच्छे से हेड मसाज कीजिए। हेड मसाज करने का तरीका आपका इस तरह का रहना चाहिए कि उंगलियों के पोरों से तेल लगाया जाए, ना कि हथेलियों से उसे रगड़ रगड़ कर बालों में तेल लगाएं। इसके बाद यदि संभव हो 5 मिनट आप दे सकें तो गुनगुने टॉवल को, गर्म पानी में टॉवल को डिप करके उसे हल्का गुनगुना करके बालों पर बांधिए। ये हेयर फॉल को कम करने में आपकी बहुत मदद करेगा। भोजन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जिससे आप इस तकलीफ को रोक सके, बाल झड़ने की समस्या से निजात पा सके? तो आपको ये देखना है कि संतुलित और संयमित आहार आपके स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ बालों की नींव है। यदि आप अपने भोजन को इम्प्रूव करते हैं तो आप ड्रास्टिक परिणाम देख सकती हैं। अंकुरित चने, अंकुरित मोठ, अंकुरित अनाज, इनका सेवन प्रारंभ कीजिए। बादाम बहुत उपयोगी है, बादाम और अखरोट, इनका भिगोकर खाना प्रारंभ कीजिए। और मुनक्के रात को दूध में लेकर, दूध में उबालिए और उनका सेवन कीजिए। ये भी आपको ताकत देंगे और आप इसके साथ साथ बालों में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे।